शायद ये वीडियो हम लोगों को थोड़ी बहुत कम पसंद आए जिनको न्यू स्पाइडरमैन ज्यादा पसंद है। अब देखो यार, मैंने जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवीज आ रखी हैं वो सारी देख रखी हैं। सबसे पहले जो 2002 में स्पाइडरमैन मूवी आई थी, उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन आई थी, फिर यहां पर जब मार्वल अपनी मूवी के अंदर स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करता है। अब जितनी भी नई वाली स्पाइडरमैन मूवीज आई हैं वो पुरानी वाली की जगह नहीं ले पाई है। रीजन बड़ा साफ सा है, जो 2002 में मूवीज आई थी, तीन मूवी आई थी, स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3, इन तीनों मूवीज में एक्शन के साथ साथ इमोशन भी वहां पर रखा गया था, एक बढ़िया स्टोरी हमें देखने को मिली थी। लेकिन जो नई स्पाइडरमैन है या अमेजिंग स्पाइडरमैन है या फिर जो स्पाइडरमैन की जो मार्वल मूवीज है उसके अंदर वो चीजें मिसिंग लगती हैं। अब आप देख लो यार, जो न्यू स्पाइडरमैन है जहां पर ये अवेंजर में आ चुका है, यहां पर इससे अपना खुद का सूट तक नहीं सिला गया यार। अरे देखो यार, पुराने वाले यानी 2002 स्पाइडरमैन वो अपने सारे काम खुद करता है, यहां पर इसको संभालने के लिए, मतलब न्यू स्पाइडरमैन को संभालने के लिए आयरन मैन भैया उसको सूट सील कर देता है। और जब आयरन मैन भैया थे वहां पर तब इसको संभाला करते थे। पीटर पार्कर को देखो यार, तुम्हें कोई दिक्कत विक्कत हो जाए तो हम है तुम्हें संभालने के लिए। और जब वो चले गए तो इनको संभालने के, मतलब इस बच्चे को संभालने के लिए ड्रोन रख जाते हैं कि भैया देख लो ये मशीन रख के जा रहे हैं तुम, मतलब इस पीटर पार्कर को संभाल लेंगे। लेकिन पीटर पार्कर तो अपना नूब है ना, वो उससे कहां ये ड्रोन संभालने वाले थे, इसको मिस्टीरियो ले लेते हैं। और जैसे कि जो लास्ट मूवी आई थी स्पाइडरमैन की, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, मतलब ये होम होम तो पता नहीं इससे क्या इनको ऑब्सेशन है, हर चीज में होम होम घुसेड़ रखा है। अब जो लास्ट मूवी आई थी फार फ्रॉम होम, उस मूवी के अंदर जो स्पाइडरमैन ने उसको कत्ल कर दिया था मिस्टीरियो का, ऐसा इल्जाम इस मूवी में लगाया जाता है। और जो न्यू स्पाइडरमैन है वो थोड़ी बहुत मुझे कम इसलिए पसंद आती है क्योंकि यार इसमें फोकस स्पाइडरमैन के ऊपर ना होकर बाकी चीजों के ऊपर होता है। मतलब जितनी प्रायोरिटी स्पाइडरमैन बच्चे को देनी चाहिए थी उतनी उसको मिल नहीं पा रही है। अब आप 2002 की मूवी देख लो, उसके बाद आने वाली स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3, ये तीनों मूवी देखो, आप लोगों को पता चलेगा पूरा फोकस स्पाइडरमैन के ऊपर और अच्छे से कहानी को डेवलप किया गया है। खैर इस चीज को साइड में रखते हैं और बात करते हैं जो मूवी का ट्रेलर आया है। अब जैसे इसमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि मिस्टीरियो का जब कत्ल हो जाता है तो इसकी आइडेंटिटी, यानी जो न्यू स्पाइडरमैन है, पीटर पार्कर कौन है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो इसकी आइडेंटिटी लोगों को बता दी जाती है। अब ये चीजों को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। और साथ ही साथ नूब स्पाइडरमैन के ऊपर भाई एक केस भी चल जाता है, मतलब ये कमाल की बात है, पुलिस केस हो रखा है यार एक अवेंजर के ऊपर। बाकी के अवेंजर क्या, वो क्या दूध के धुले हैं क्या, उन्होंने भी तो इतने सारे लोगों को मार रखा है, उनको क्यों नहीं लेके आया आज तक। लेकिन हमारे नूब स्पाइडरमैन भैया वह तो अलग ही लेवल के हैं, अब उनको आइडेंटिटी जो है वो सब लोगों को पता चल जाती है तो भाई इनको डर लगने जाते हैं, हो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे अपने गुरु से सीखो ना यार, आयरन मैन भैया से उन्होंने छाती ठोक कर कहा था मैं हूं आयरन मैन, कुछ उखाड़ने तो उखाड़ लो। अब नूब स्पाइडरमैन डरते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाकर हाथ जोड़ के कहता है देखो बाबा जी, हमारे तो पहले लोगों ने मार, मतलब कि मीडिया ने मार रखी है और पुलिस भी मारने की तैयारी में है, तो प्लीज यार कुछ ऐसा जादू टोना कर दो कि ये जो आइडेंटिटी जो लोगों को चली, पता चली है, वो सब ये मतलब चली जाए और मेरी लाइफ पहले जैसी हो जाए। अब जब ये अलग ही लेवल के है, डॉक्टर स्ट्रेंज भैया अलग ही भांग फूंक के बैठे हैं, उन्होंने उल्टा मंत्र फूंक दिया था यार, दूसरे देश में भी क्या ये फेक बाबा चलते हैं क्या। और अब इसमें देखो यार, मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया है, जो हमने लोकी की सीरीज के अंदर देखा था, व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज के अंदर हम देख भी रहे हैं। अब यहां पर बड़े पर्दे पर हमें मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है। और ये सब सारा कैसे हो रहा है, इसके लिए एक रीजन दे दिया जाएगा। देखो यार, क्वांटम फिजिक्स नाम की एक चीज होती है, वो तुम्हें गोली खानी पड़ेगी, उस गोली से ही ये जो है मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया और इसी से चीजें बिगड़ गई हैं। साला ये साला इसे सही है। और अब इस मल्टी यूनिवर्स के कारण यहां पर ग्रीन गोब्लिन और ऑक्टोपस, डॉक्टर ऑक्टोपस हमारे सामने आते हैं। देखो यार, मैंने स्टार्टिंग में क्यों पुरानी स्पाइडरमैन का जिक्र किया था, रीजन ये था क्योंकि मार्वल ने बड़े ही चालाकी से पुरानी जो मूवीज हुआ करती थी 2002 में या फिर जो स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3, उनके विलन्स को उठाकर इस मूवी में पटक दिया है कि देखो यार, जिन लोगों ने पुरानी मूवीज देखी हुई है तो उनकी यादों के साथ थोड़ा सा बहुत हम खेल ले यहां पर। अब जैसे मैंने कहा यार, मुझे न्यू स्पाइडरमैन ठीक ठाक ही लगती है, इतनी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी है एज कंपेयर टू बाकी की जो अवेंजर मूवीज मैंने या फिर जितनी भी मार्वल की मैंने देखी है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यार मुझ पे ज्यादा वो प्रभाव रहा है पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज का, क्योंकि उसके अंदर इमोशन जो थे, उसमें पीटर पार्कर और मैरी जेन का जो कॉन्सेप्ट जहां देखने को मिला था वो मुझे काफी पसंद था यार। वो बंदा खुद काम कर रहा था यार, इतना मेहनती बंदा था यार, यहां पर ये इससे कुछ नहीं हो रहा है यार, पीटर पार्कर से मतलब नाम खराब कर दिया यार। तो पुराने लोग जब वापस आए तो उम्मीद जगी है कि हाँ यार ये शायद मूवी अच्छी हो सकती है। और सच में मुझे ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया, मैं एक्साइटेड हो गया ये देखकर कि यार हाँ, इसमें ग्रीन गोब्लिन और जो है डॉक्टर ऑक्टोपस वापस आ रहे हैं। और मार्वल वालों ने तो पूरा साल अपने नाम ही करवा लिया है भाई साहब, उन्होंने एक के बाद तो एक सीरीज निकाली, फिर एनिमेटेड सीरीज निकाली, या मूवी निकाल रही है, मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट उनके हाथ जो लगे, ये डीसी वाले क्या कर रहे हो यार तुम। अब जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि स्पाइडरमैन का पहले ये जो ट्रेलर था वो लीक हो गया था, फिर जल्दबाजी में इन्होंने एक 3 मिनट का टीजर निकाला, मतलब 3 मिनट का
टीजर ट्रेलर, ये क्या नाम दे रहे हो यार, 3 मिनट का टीजर भी होता है, अब शायद 15 मिनट का तुम ट्रेलर निकाल दोगे ना। खैर मैंने इसका वेट किया कि यार ये इंग्लिश में आया, शायद ये हिंदी में आए तो हिंदी में आएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, और अब ये हिंदी में आता है और सच कहूं मुझे हिंदी देखकर काफी अच्छी लगी कि इसके अंदर जो हिंदी डबिंग की गई है सेम टू सेम की गई है, मतलब आर्टिस्ट की बाद में बात करेंगे, जैसे इंग्लिश में बोल रहे थे वो डायलॉग सेम टू सेम बोल दिए गए, उनमें फेरबदल नहीं है। अब जितना मुझे सुनने में लगा यार, देखो यार जो स्पाइडरमैन या टॉम हॉलैंड की जो वॉइस पहले दी गई थी वो इसमें मुझे चेंज लगी है, मैंने सर्च नहीं किया, शायद आप लोगों को नहीं लग सकती है, खैर जो भी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और जो इसके ट्रेलर है उसमें सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगी है वो है एक डायलॉग जिसमें दो ही शब्द हैं, हेलो पीटर, ये वाला, कसम से मुझे ये जो डायलॉग जो सुना है मैं दीवाना हो गया इस ट्रेलर का, मतलब वो मुझे ये मूवी देखनी है, सच में देखनी है, दिल से इच्छा हो रही है, ये उम्मीदें हो रही है और चाहता हूं कि यार ये मूवी अच्छी जाए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ऑक्टोपस का नाम खराब होते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो खैर अगर आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया, ऑब्वियसली देख लिया होगा, इतनी ज्यादा लेट जो वीडियो बना रहा हूं तो देख लिया, तो प्लीज कमेंट करना, और जिन्होंने नहीं देखा तो यार तुम कौन सी दुनिया में यार, देख लो यार जाके। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।